हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको महाराष्ट्र की स्पेशल खिचड़ी बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने बारीक कटा प्याज, मूंगफली दाना, लहसुन और हल्दी, मिर्च, धनिया लिया हुआ है, और ये धुला हुआ चावल और दाल मिक्स करके लिया हुआ जो कि मात्रा में एक कटोरी है। अब ये मूंगफली दाने को भून लेंगे इसमें, और उसमें लहसुन कटा हुआ डालकर भूनेंगे, और अब इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। उसको भूनने के बाद में इसमें थोड़ा करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ता ऐड करने के बाद में, इसको भूनने के बाद, हम इसमें हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, ये तीनों मसाले ऐड करेंगे, और अब इसमें धुले हुए चावल दाल को डाल देंगे, और इसमें इसको चलाने के बाद इसमें बॉयल एक कटोरी चावल में हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के समय हम इसमें नमक डालेंगे और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके और ये बॉयल आते हुए इसमें ये सब डाल के और इसके में लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद में 1 सीटी आने देंगे। जब स्टीम पूरी हो जाएगी तब हम इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। ये खिली खिली खिचड़ी बनती है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसको अचार पापड़ के साथ खाया जाता है, और ये बहुत